नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और इन्वायरमेंट के रिवीजन का ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थ्योरी के बारे में है। देखो, गिल का मतलब होता है हिंदी में गलफड़े। मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से, तो ये एक प्रकार से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो बूढ़ी मछलियाँ होती हैं या फिर बड़ी मछलियाँ, वो पोल्स की तरफ ज़्यादा जाती हैं। पोलर रीजन में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। हाल ही में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि बायोलॉजिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से मछलियाँ ज़्यादा जाती हैं पोलर रीजन्स में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोलॉजिकल रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पिछले काफ़ी सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज हुआ है और सी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब आपको एक बात पता है, गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पानी जब गर्म होता है तो ऑक्सीजन मोलिकूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मोलिकूल्स की जो सोलिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक रीज़न है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है और ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा डिजोल्व होती है। अब देखो, पिछले कुछ सालों में जो सी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो मतलब मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ऑक्सीजन कम डिजोल्व है वाटर में, जबकि मछलियों को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। इसलिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए, मतलब जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए वो प्राप्त करने के लिए, जो मछलियां हैं वो पोलर रीजन्स की तरफ मूव करती हैं। एक बात देखो, आर्टिकल में ये बोली जाती है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हुआ है और सी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से मछलियों के जो गिल्स हैं वो नहीं एक्सपेंड हुए हैं। खास करके देखो, बड़ी मछलियों का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है वॉल्यूम के हिसाब से, तो मतलब उनके गिल्स इतने डेवलप नहीं होते कि जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन उनको मिल सके पानी से। ठंडे पानी में वो जाएंगी तो उनको आवश्यक ऑक्सीजन मिल सकती है, इसलिए वो पोलर रीजन्स की तरफ रुख करती हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थ्योरी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो, सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस का जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ उससे हमें ये पता लगता है, अगस्त 2018 के अपेक्षाकृत अगस्त 2019 में फायर की जो घटनाएं हैं वो 5 गुना तक बढ़ गई। देखो, अगस्त 2018 में फायर की आलमोस्ट 16,000 घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अगस्त 2019 में फायर की आलमोस्ट 80,000 घटनाएं सामने आई। तो देख सकते हो, 5 गुना फायर की घटनाएं बढ़ गई एक साल के अंदर अंदर। 49% जो फायर की घटनाएं डिटेक्ट की गई वो एशिया में डिटेक्ट की गई, 28% साउथ अमेरिका में और 16% अफ्रीका में, और बाकी बची हुई फायर की जो घटनाएं हैं वो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और ओशियानिया में रिपोर्ट की गई। खास बात देखो ये है, आपको याद होगा जो अमेजोन फॉरेस्ट में आग लगने की घटनाएं सामने आई वो अगस्त और सितंबर में सामने आई। ब्राज़ील की सरकार ने कोई खास एक्शन लिया नहीं था अमेजोन रेन फॉरेस्ट में फायर की घटनाओं पर, और इस वजह से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ब्राज़ील के राष्ट्रपति का। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करें सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस के बारे में। ये एक प्रोटोटाइप है जिसको डेवलप किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ताकि फायर की जो घटनाएँ हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। इससे पहले 1995 से लेकर 2012 के बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही एक प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था अलोंग ट्रैक स्कैनिंग रेडियोमीटर्स। अब जब 2012 में इसने काम करना बंद कर दिया था तो उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोचा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए कोई और प्रोटोटाइप होना चाहिए ताकि फायर की घटनाओं को डिटेक्ट किया जा सके। तो ये सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस का जो प्रोटोटाइप है वो डेवलप किया गया 2012 के बाद। सेंटिनल 3 देखो एक मल्टी इंस्ट्रूमेंट मिशन है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है सी सरफेस टोपोग्राफी को ऑब्जर्व करना, लैंड सरफेस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना
ओशन का कलर, लैंड का कलर, इन सब को ऑब्जर्व करना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा रिलायबिलिटी के साथ है। इसके लिए दो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, एक तो Sentinel-3A और एक Sentinel-3B। तो ये दो सैटेलाइट्स जो हैं वो मदद करते हैं Sentinel-3 मिशन में। यूपीएससी पूछ सकती है Sentinel मिशन के बारे में कि कौन सी स्पेस एजेंसी का ये मिशन है और एम क्या है। ये देखो, एम हम डिस्कस कर चुके हैं, सी सरफेस टोपोग्राफी को मेजर करना, या फिर सी का टेम्परेचर, लैंड सरफेस का टेम्परेचर, इन सब को मेजर करना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट में एक बात वैसे और भी है, देखो यूरोपियन कमीशन का एक प्रोग्राम है कोपरनिकस प्रोग्राम। कोपरनिकस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। और अभी जो हमने ये मिशन डिस्कस किया Sentinel-3, ये कोपरनिकस प्रोग्राम का पार्ट है, समझ गए। अगर यूपीएससी कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट न्यूज ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1 नवंबर से उड़ीसा में जो गरिमाथा मैरीन सेंचुरी है, यहां पर देखिए गरिमाथा मैरीन सेंचुरी कहां पर है, उड़ीसा में। तो इस मैरीन सेंचुरी में ओलिव रिडले टर्टल्स की फिशिंग पर बैन लगा दिया गया है उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और यह बैन लगा रहेगा 31 मई 2020 तक। ओलिव रिडले टर्टल्स देखो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने काफी बार पहले क्वेश्चंस पूछे हैं इन टर्टल्स के बारे में, और 2020 में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सी टर्टल्स की देखो वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीसीज हैं, और उनमें से स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटी है ओलिव रिडले टर्टल्स की स्पीसीज, और ये समुद्र में सबसे ज्यादा भी मिलते हैं। ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में मिलते हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले क्या ओलिव रिडले टर्टल्स सिर्फ इंडियन ओशन में मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के गर्म पानी में मिलते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स। इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है वो हर साल एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन ओलिविया। मकसद इस प्रोग्राम को चलाने का ये होता है ओलिव रिडले टर्टल्स को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो ओलिव रिडले टर्टल्स को जाना जाता है मास नेस्टिंग के लिए, जिसे कहा जाता है अरीबाड़ा। मान लीजिए ये समुद्र है और ये यहाँ पे बीच है, तो बीच पर आते हैं ये ओलिव रिडले टर्टल्स, और इस प्रकार से सिंक्रोनाइज्ड वे में मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं और बाद में उसे सेंकते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। इस प्रकार से हजारों की संख्या में आते हैं यहाँ पे, जैसे एक टर्टल, दूसरा टर्टल, तीसरा टर्टल, चौथा टर्टल, पांचवा टर्टल, इस प्रकार से वो इकट्ठे होकर सिंक्रोनाइज्ड वे में नेस्टिंग करते हैं, और इसे कहा जाता है अरीबाड़ा। बंगाल की खाड़ी में देखो उड़ीसा ओलिव रिडले टर्टल्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 3 मास नेस्टिंग एरियाज हैं उड़ीसा में जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग करते हैं। पहला गरिमाथा रूकरी, जिसके बारे में अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, यहाँ पर बैन लगा दिया गया है उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ओलिव रिडले टर्टल्स की फिशिंग नहीं हो सकती। ये देखो जो गरिमाथा मरीन सेंचुरी है ये ब्राह्मणी और बेतरनी रिवर के मुहाने पर है, उसके बाद दूसरी साइट जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है देवी रिवर के माउथ पर, और तीसरी ऋषिकुल्या रिवर के मुहाने पर। तो इनडायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये 3 सबसे फेमस साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग होती हैं। गरिमाथा मरीन सेंचुरी की हम बात करें, ये देखो उड़ीसा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको मरीन सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1997 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यू रूल्स ऑन इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित। आप पहले मुझे ये बताइए इथेनॉल का क्या मतलब है? देखो इथेनॉल, जिसे इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक कलरलेस वोलाटाइल इनफ्लेमेबल लिक्विड है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये एक कलरलेस यानी बिना कलर का, वोलाटाइल मतलब जो आसानी से इवापोरेट हो जाता है, इनफ्लेमेबल मतलब आसानी से आग लग जाती है, ऐसा लिक्विड है। इसे प्राप्त किया जाता है नेचुरल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की सहायता से, और
इसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूल में ऐड भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ, इससे व्हीकल में जो एमिशंस है वो काफ़ी कम हो जाता है और फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मोलासिस के तीन ग्रेड होते हैं शुगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। मोलासिस के तीनों ग्रेड्स से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोलासिस का ए ग्रेड क्या होता है? देखो, शुगर फैक्ट्री में शुगर केन जूस यानी गन्ने के जूस की इनिशियली प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, वो मोलासिस का ए ग्रेड होता है। उसके बाद बी ग्रेड मोलासिस क्या होता है? ये भी देखो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। जब सीड शुगर को और मोलासिस के ए ग्रेड को एक साथ बॉयल किया जाता है ताकि एडिशनल 12% ऑफ रॉ शुगर एक्सट्रैक्ट किया जा सके, तो उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है बी ग्रेड मोलासिस। और सबसे लास्ट में सी ग्रेड मोलासिस, ये देखो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है शुगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। इसमें सुक्रोज का भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन अभी कोई इकोनॉमिकली वायबल मेथड नहीं है सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखो, ज़्यादातर देशों में होता क्या है, ए ग्रेड मोलासिस से ही इथेनॉल को प्रोड्यूस कर लिया जाता है। मतलब शुगर फैक्ट्री में आप गन्ने की जूस की थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कीजिए और इससे ए ग्रेड मोलासिस आपको प्राप्त होगा और उससे आपको इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये आसान प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये माना जाता है कि ऑलरेडी देखो फूड की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर फूड का इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। लाखों लोग हमारे देश में भूख के कारण मर जाते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी पीछे है, तो ऐसे देश में हम फूड को डाइवर्ट करेंगे फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, ये एथिकली रॉन्ग है। इसी वजह से हमारे देश में पहले सी मोलासिस का इस्तेमाल होता था इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन पिछले साल सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंस की, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। इस पॉलिसी में सरकार ने अलाउ कर दिया जो बी ग्रेड मोलासिस हैं इससे इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। ये सरकार ने अलाउ कर दिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में। फ़ायदा देखो इसका ये होगा, पहले सिर्फ मोलासिस सी ग्रेड से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता था हमारे देश में, लेकिन अब मोलासिस बी ग्रेड से भी इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ज़्यादा इथेनॉल अवेलेबल होगा। आमतौर पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स का कंसर्न ये होता है कि सरकार ने बोल तो दिया इथेनॉल को मिक्स किया जाए पेट्रोल में, लेकिन इथेनॉल अवेलेबल है ही नहीं, अगर अवेलेबल होता है तो काफ़ी एक्सपेंसिव अवेलेबल होता है। लेकिन देखो अब इस रूल से क्या होगा, इथेनॉल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसके दाम भी कम हो जाते हैं, तो सरकार का जो रूल है पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला, उसे अब इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। सरकार ने फिलहाल अभी ये क्लैरिफाई किया है कि अगर बी हैवी मोलासिस से इथेनॉल को प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट की क्लियरेंस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित नए रूल्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में है, यानी SACEP। क्या कंटेस्ट है? देखो, 15वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी इस प्रोग्राम के गवर्निंग काउंसिल की, कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में, और वहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। ये देखो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। इस्टाब्लिश किया गया था 1982 में साउथ एशिया की गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि इस रीजन में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वही मेंबर कंट्रीज़ हैं SACEP के। इसके अलावा देखो अलग से एक प्रोग्राम है साउथ एशियन सी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। साउथ एशियन सी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का भी जो सेक्रेटरेट है वो SACEP है। यहाँ पर देखो SACEP सेक्रेटरेट का काम करता है साउथ एशियन सीज प्रोग्राम के लिए, और ये प्रोग्राम जो है वो UNEP के रीजनल सी प्रोग्राम्स के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है SACEP का, यानी साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम का?
देखो, बहुत सारी चीज़ें जैसे ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंजप्शन, वेस्टफुल प्रोडक्शन, थ्रेटनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सर्वाइवल, पुवर्टी, इन सब की वजह से इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, इसको रिकॉग्नाइज करना और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सके, ये ऑब्जेक्टिव है SACEP के। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिस पे क्वेश्चन बनता हो। अब जान लीजिए साउथ एशियन सीज प्रोग्राम के बारे में, जिसके लिए SACEP सेक्रेटरीट का काम करता है। ये देखो रीजनल एग्रीमेंट है जो फॉर्मली अडोप्ट किया गया था 1995 में पांच मरीन कंट्रीज़ के द्वारा। पांच मरीन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिनका देखो बॉर्डर टच होता है इंडियन ओशन में? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन पांच देशों ने फॉर्मली अडोप्ट किया था एग्रीमेंट को और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, साउथ एशियन सी प्रोग्राम। मकसद क्या है? मकसद तो देखो सिंपल है, मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, और कोस्टल इकोसिस्टम जो है रीजन में उसे भी मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना। ये जो SASP है यानी साउथ एशियन सी प्रोग्राम, ये देखो ग्लोबल रीजनल सी प्रोग्राम का पार्ट है, और ग्लोबल रीजनल सी प्रोग्राम ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था UNEP के तत्वाधान में, UNEP की गाइडेंस में। UNEP मतलब UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंड एयर के बारे में है। पूरा नाम है इंडियन एयर क्वालिटी इंटरेक्टिव रिपोजिटरी। ये देखो एक प्रकार की वेबसाइट है, CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NEERI के द्वारा ये ऑनलाइन रिपोजिटरी लॉन्च की गई है। ये इंडिया की फर्स्ट इंटरेक्टिव ऑनलाइन रिपोजिटरी है। मकसद क्या है इस रिपोजिटरी को लॉन्च करने का, या फिर इंड एयर इनिशिएटिव को लॉन्च करने का? मकसद देखो ये है, पास्ट में एयर पोल्यूशन से संबंधित काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी सारे कानून भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन सभी को एक जगह पे लाना, ताकि आप में से कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है एयर पोल्यूशन पे, तो वो इस वेबसाइट पे जाके काफ़ी सारे ऑलरेडी जो रिसर्च हुई हैं उनका लाभ उठा सके। समझ गए? यानी फ्यूचर में देखो कोई रिसर्च करना चाहता है एयर पोल्यूशन पे, तो इस वेबसाइट पे एटलीस्ट सभी जो आर्टिकल्स हैं पास्ट के, रिसर्च हुई है, पास्ट का कोई स्टेच्यूट है, कानून है, सारी चीज़ें एक वेबसाइट पे उपलब्ध होंगी, और उस पर्सन के लिए जो रिसर्च करना चाहता है रिसर्च आसान हो जाएगी। ये मकसद है इंड एयर इनिशिएटिव को लॉन्च करने का। यहाँ पर देखो आगे बताया गया है 1905 के बाद से ही काफ़ी सारे लेजिस्लेशन आए हैं एयर पोल्यूशन में, वो सारे उपलब्ध होंगे इस वेबसाइट पर। दिल्ली NCR से संबंधित 262 स्टडीज हुई हैं एयर पोल्यूशन से संबंधित, वो सारी स्टडीज़ भी उपलब्ध होंगी इस वेबसाइट पर। 1905 में एक स्टडी कैरी आउट की गई थी बंगाल स्मोकिंग न्यूसेंस एक्ट से संबंधित, वो भी अवेलेबल होगी। बात कर लेते हैं NEERI की। इसके बारे में देखो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, एक कोई इक्विपमेंट इन्होंने बनाया था, कोई मशीन इन्होंने बनाई थी पोल्यूशन को कम करने के लिए। अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन कम होता है, तो ऐसी जगहों पर हवा को साफ करने के लिए इनके द्वारा मशीन बनाई गई थी। तब हमने इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस किया था, एक बार फिर से ये न्यूज़ में है क्योंकि इनके द्वारा इंड एयर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ये देखो कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, ये है नागपुर में। नागपुर में है ये इंस्टीट्यूट, फोकस किया जाता है वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डिजीज, इन सब सब्जेक्ट्स पर। पांच जोनल लेबोरेटरीज हैं इस इंस्टीट्यूट की, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में और मुंबई में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इंस्टीट्यूट? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं आगे। आर्टिकल है वो पलियोसोर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो पोलैंड का एक गाँव है क्रिजेनोविचे। इस गांव में लोगों ने मक्के के एक खेत में प्लियोसर की बोन्स को डिस्कवर किया है। प्लियोसर ये देखो एक्वेटिक कार्निवर्स रेप्टाइल्स हैं जो रहा करते थे आज से 220 से लेकर 70 मिलियन ईयर्स पहले, तो काफ़ी पहले रहा करते थे ये प्लियोसर। खास बात देखो ये है, इनका साइज काफ़ी बड़ा हुआ करता था। यहाँ पर देखो मैसिव हेड, गर्दन छोटी हुआ करती थी और आकार काफ़ी बड़ा हुआ करता था, 10 मीटर इन लेंथ, वजन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था।
तो यूपीएससी ये पूछेगी कि प्लियोसोर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ज़्यादा संभावना देखो यही है, या तो यूपीएससी यूं पूछ ले कि प्लियोसोर के बोन्स मिले थे हाल ही में कौन से देश में, तो आंसर होगा पोलैंड। या फिर यूपीएससी यूं पूछ ले क्रिजनोविचे ये जगह रिसेंट में न्यूज़ में थी किस लिए, चार पांच ऑप्शन दिए हों, उनमें से एक दिया हो प्लियोसोर जो इक्वेटिक कार्निवर्स रेप्टाइल है उसके बोन्स यहाँ पर मिले थे, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल्स के बारे में यूपीएससी पूछेगी कि साइज कितना होता है, वजन कितना होता है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इटली वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चों के लिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित लेसन को कंपलसरी बना दिया है। हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज के बारे में लेसन्स दिए जाएंगे बच्चों को। और देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उनको भी इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक पर्सपेक्टिव मिले। तो अगर यूपीएससी पूछे कि कौन से देश ने क्लाइमेट चेंज से संबंधित लेसन्स को कंपलसरी बनाया है बच्चों के लिए, आंसर होगा इटली, लेकिन पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्टर्न घाट में बटरफ्लाइज के सर्वे से संबंधित है। देखो बटरफ्लाई से संबंधित एक सर्वे कंडक्ट किया गया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इस सर्वे से जाहिर होता है वेस्टर्न घाट में अभी भी बटरफ्लाइज की बहुत सारी स्पीशीज हैं। इस सर्वे को जॉइंटली कंडक्ट किया गया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा फंस नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर। सर्वे का मेन मकसद ये था ये पता लगाना कि वेस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी कैसी है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी सारी खबरें आई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बटरफ्लाइज की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। रिसर्चर्स ने अपने इस सर्वे में बटरफ्लाइज की 191 स्पीशीज को देखा, और इनमें से 12 स्पीशीज बटरफ्लाई की ऐसी थी जो नेचुरली देखो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती हैं। मतलब यहाँ से कोई ले जाए किसी दूसरे रीजन में वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली 12 बटरफ्लाइज की स्पीशीज सिर्फ वेस्टर्न घाट रीजन में मिलती हैं उनको भी देखा गया रिसर्चर्स के द्वारा इस सर्वे के दौरान। अब कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, पहली बार देखा गया कुछ तितलियों को इस सर्वे में, जैसे सिल्वर फॉरगेट मी नोट, कॉमन थ्री रिंग और ब्राउन ऑनिक्स, ये तितलियों की ऐसी स्पीशीज जिनको पहली बार वेस्टर्न घाट रीजन में देखा गया। और देखो बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटी उन एरियाज में ज़्यादा थी जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स मिलते हैं, जैसे देखो मिकानिया माइक्रेंथा और लेंटाना कैमरा, जहाँ पे ये दोनों प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे बटरफ्लाइज की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो तितलियों के लिए काफ़ी अच्छे होस्ट हैं। तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद अगर आपका मन बने बटरफ्लाइज को डोमेस्टिकेट करने का, इनको पालने का, तो आप ये दोनों प्लांट्स जरूर उगाइएगा। देखो बटरफ्लाइज जो हैं बहुत अच्छे बायो इंडिकेटर्स हैं। बायो इंडिकेटर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन, जिनके फंक्शन हमें बताते हैं कि इन्वायरमेंट की कंडीशन है क्या। जैसे देखो लाइकन के बारे में कहा जाता है, लाइकन बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिस जगह पे, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन या फिर फंक्शन हमें बताते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट की कंडीशन है क्या, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है बायो इंडिकेटर। तो बटरफ्लाइज जो हैं वो बहुत अच्छी बायो इंडिकेटर हैं। बटरफ्लाइज की संख्या ज़्यादा है इसका मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छी है। बटरफ्लाइज की संख्या कम है इसका मतलब फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कम है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। समझ गए, चलते हैं आगे। जो आर्टिकल है वो देखो न्यू सिग्नल फिश के बारे में है। एक नई सिग्नल फिश मिली है केरला के कोस्ट के किनारे जिसका नाम है टेरोप्सेरन इंडिकम। वहाँ पे देखो एक मैरीन बायोडाइवर्सिटी सर्वे कंडक्ट हो रहा था, और इसी सर्वे के दौरान 70 मीटर की डेप्थ पर न्यू सिग्नल फिश की ये स्पीसीज डिस्कवर की गई, टेरोप्सेरन इंडिकम। ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये पहली बार है कि न्यू सिग्नल फिश के किसी स्पीसीज को इंडिया के पानी में डिस्कवर किया गया हो। देखो ये जो न्यू सिग्नल फिश की स्पीशीज होती है ना, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं सिग्नल की सहायता से। जैसे देखो मछलियों में ये जो फिन होते हैं ऊपर,
इनको फ्लिप करके यानी ओवरटर्न करके एकदम से मोड़ के इनकी एक अलग से लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से ये न्यू सिग्नल फिश की स्पीसीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। साइज में छोटी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ये तो बेकार की इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन एक खास बात यह है जो ये न्यू सिग्नल फिश की स्पीसीज होती हैं, ये देखो कोरल रीफ्स के आसपास ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के पानी में न्यू सिग्नल फिश की स्पीसीज मिली है, मतलब वहाँ पे आसपास कोरल्स के मिलने की भी संभावना है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जो नई न्यू सिग्नल फिश मिली है केरला के पानी में, जिसका नाम है टेरोप्सेरन इंडिकम। बाकी देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई काम के नहीं कि यूनिक कलर पैटर्न होता है और 3 डिस्टिंक ब्राइट येलो बैंड है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पर। इम्पोर्टेंट न्यूज़ दुधवा नेशनल पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दुधवा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी पर बैन लगा दिया गया है। एलिफेंट पर टूरिस्ट इस प्रकार की जो यात्रा करते थे, इस एलिफेंट सफारी पर बैन लगा दिया गया है दुधवा नेशनल पार्क में। क्यों? एक तो देखो अभी जितने ट्रेंड हाथी हैं दुधवा नेशनल पार्क में, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए। दूसरा, काफ़ी बार ये देखा जाता है कि एलिफेंट सफारी में कुछ जो मेल हाथी हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, राइडर्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इन दो रीजन्स की वजह से दुधवा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी पर बैन लगा दिया गया है। अगर देखो हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मान लीजिए ये दुधवा टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क इसी का पार्ट है। ये देखो प्रोटेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश में, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास है दुधवा टाइगर रिजर्व, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी और बहरीच डिस्ट्रिक्स में दुधवा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या क्या आता है? एक तो देखो दुधवा नेशनल पार्क जिससे सोहिली और मोहाना स्ट्रीम्स बहती हैं, इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शारदा रिवर फ्लो करती है, और तीसरे नंबर पे है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गेरुआ रिवर फ्लो करती है। ये सभी जो रिवर्स हैं जिनके बारे हमने अभी डिस्कस किया, ये सभी घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। दुधवा नेशनल पार्क में देखो काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, वाइल्ड एलिफेंट्स की, एक्वेटिक एनिमल्स, वन हॉर्न राइनोज, वाइल्ड एलिफेंट्स। इसके अलावा यहाँ का फ्लोरा एंड फोना जो है काफ़ी डाइवर्स हैं, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिलेटेड अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी कम प्रभावित किया है इस नेशनल पार्क के फॉरेस्ट एरिया को। तो रिलेटिवली यहाँ का फॉरेस्ट एरिया अनडिस्टर्ब्ड है। ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं दुधवा नेशनल पार्क में। देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्लेस है दुधवा नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर और राइनो दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेशनल पार्क और उसके आगे स्टेट का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है। बंधावगढ़ बताइए मध्य प्रदेश में है या फिर नहीं है, दुधवा कहाँ पर है, असम में है या फिर नहीं है, डचिगम सिक्किम, और सबसे लास्ट में ताडोबा महाराष्ट्र। दुधवा तो देखो उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो जाता है, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर होगा ए और सी में से, ताडोबा महाराष्ट्र में है, ये सही है। 4 सही है तो इसका सही आंसर होगा सी। गलत क्या है? गलत है डचिगम, डचिगम जम्मू एंड कश्मीर में है, सिक्किम में नहीं है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल एवियन बोटुलिज्म के बारे में है। देखो एवियन का मतलब होता है पक्षियों से संबंधित, रिलेटेड टू बर्ड्स, और बोटुलिज्म का मतलब यह होता है एक ऐसा रेयर डिजीज जो कि ऐसे टॉक्सिन को कंज्यूम करने से होता है जो खाने पर मिलता है। एक प्रकार से आप इसे सिंपल भाषा में फूड पॉइजनिंग कह सकते हो। हुआ क्या, नवंबर 2019 में 10,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई सांभर साल्ट लेक एरिया में। ये सांभर लेक कहाँ है? ये राजस्थान में है, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। कहाँ पर है? जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान में। सांभर लेक को रामसर साइट भी डेजिनेट किया हुआ है। खैर फिर से आते हैं न्यूज़ की तरफ। सांभर लेक एरिया में
ऑलमोस्ट 10,000 बर्ड्स की डेथ हो गई इस डिजीज की वजह से। राजस्थान गवर्नमेंट ने दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 17,454 मरे हुए पक्षियों को दबाया जमीन के नीचे, ताकि मरे हुए पक्षियों की वजह से बाकी अभी जो बर्ड्स जिंदा हैं उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए। देखो, जिन पक्षियों को ये जो डिजीज़ है वो प्रभावित करता है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डलनेस आ जाती है, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख लगना बंद हो जाता है। उसके बाद पैरों और पंखों में पैरालिसिस, और सबसे लास्ट में नेक टचिंग द ग्राउंड, गर्दन इस प्रकार से ग्राउंड को टच करने लगती है। जब ये डिजीज होता है तो पक्षी देखो ना तो चल सकते हैं, ना तैर सकते हैं, और उड़ने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी डिजीज की वजह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है सांबर लेक एरिया में। ये डिजीज देखो ऐसे टॉक्सिन की वजह से होता है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, और 1900s में ये रिकॉग्नाइज किया गया था। एवियन बोटुलिज्म जो है ये देखो एक मेजर काज है मोर्टेलिटी का वाइल्ड बर्ड्स में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एवियन बोटुलिज्म के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इद्रिस एल्बा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वास्प की एक नई स्पीसीज को नाम दिया गया है इद्रिस एल्बा। तो आपके मन में आया होगा ये वास्प क्या होता है। ये देखो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है ततैया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, तो ततैये यानी एक प्रकार के इंसेक्ट की नई स्पीसीज मिली है जिसको नाम दिया गया है इद्रिस एल्बा। ये नई जो स्पीसीज है ततैये की वो डिस्कवर की गई है मैक्सिको में। और खास बात देखो ये है, किसी दूसरे इंसेक्ट के अंडे में ये जो नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है वो पाई गई है। समझ गए? मतलब कोई दूसरा इंसेक्ट था, उस इंसेक्ट के एग्स में यानी अंडों में ये कीड़े की नई स्पीसीज पाई गई है, और जिस दूसरे इंसेक्ट के अंडों में ये नई स्पीसीज मिली है वास्प की, उसका नाम है बगराडा बग। बगराडा बग जो है ये एक मेजर कीट है जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स के ऊपर पाया जाता है, यानी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनके ऊपर ये कीड़ा मिलता है बरगाड़ा बग। और इसी इंसेक्ट के अंडों में नई स्पीसीज मिली है ततैये की जिसको नाम दिया गया है इद्रिस एल्बा। खास बात देखो ये है, ये जो नई स्पीसीज मिली है ना दूसरे इंसेक्ट के अंडों में, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए वेपन। एक स्टिंक बग होता है यानी बदबू फैलाने वाला कीड़ा जिसे पेंटेड बग भी कहा जाता है। तो इस कीड़े के अंडों में ये जो नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है इसे छोड़ दिया जाए तो स्टिंक बग यानी बदबू वाले कीड़े के बच्चों को पैदा होने से रोका जा सकता है। मतलब स्टिंक बग के जो अंडे हैं वो मेच्योर नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर ये जो इद्रिस एल्बा है वो एंटर कर जाएगा, और बदले में जो पॉपुलेशन है स्टिंक बग की वो नहीं इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के आर्टिकल का एसेंस ये निकलता है ततैया जो कि एक कीट होता है उसकी नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है जिसको नाम दिया गया है इद्रिस एल्बा। ये है तो इंसेक्ट लेकिन हीरो वाला इंसेक्ट है, मतलब इसको एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे बेकार वाले इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए। समझ गए? तो इंसेक्ट तो है लेकिन ये पॉजिटिव इंसेक्ट है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे फायदा ज्यादा होगा क्योंकि बेकार वाले इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सकता है इस इंसेक्ट की सहायता से। आर्टिकल समीर एप्लीकेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? समीर एप्लीकेशन देखो हमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताती है। यहां पर नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो हर एक घंटे अपडेट होता है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा सिटीज का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जान सकते हो इस एप्लीकेशन की सहायता से। किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल्ड ब्यूरो के द्वारा यानी CPCB। देखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से विभिन्न सिटीज को अलग अलग कलर दिए जाते हैं इस एप्लीकेशन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल नॉर्मल है 100 से नीचे है तो उस सिटी को ग्रीन कलर दिया जा सकता है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन की सहायता से आप जो कंप्लेंट्स हैं
गार्बेज डंपिंग से संबंधित सड़क के किनारे डस्ट है, व्हीकुलर एमिशन या फिर दूसरे पोल्यूशन इश्यूज हैं आपके एरिया में, तो उससे संबंधित कंप्लेंट आप रजिस्टर करवा सकते हो और कंप्लेंट को ट्रैक भी किया जा सकता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इस एप्लीकेशन में, वो देखो एयर क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2016 में, आगे भी पूछ सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10 यानी पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, तो इन 8 पोल्यूटेंट्स के आधार पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से देखो ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मालाबार ट्री टोड के बारे में है। टोड का मतलब है मेंढक। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, एक बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा वेस्टर्न घाट के उन विलेजेस में लोगों को जागरूक किया जा रहा है जहां पर संभावना है कि ये मालाबार ट्री टोड मिल सकता है। महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक के गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्पेसिफिक एरिया में जहां पर इस मेंढक के मिलने की संभावना है। मकसद जागरूक करने का यही है, ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्ट रेंज है क्या इस मालाबार ट्री टोड की। तो अगर एग्जैक्ट रेंज हमें पता लग जाए इस मेंढक की, तो इस मेंढक को कंजर्व करने की दिशा में काम किया जा सकता है। ये देखो मेंढक की जो स्पीसीज हैं वो एक्सट्रीमली रेयर है, मालाबार ट्री टोड नेचुरली ये वेस्टर्न घाट में ही मिलते हैं। पकड़ के आप कहीं और ले जाओ वो अलग बात है, नेचुरली वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में मालाबार ट्री टोड जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वैसे देखो सोचने की बात ये है, जिस प्रकार से बोला गया है कि इट इज एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज, तो इतनी भी रेयर नहीं है, जबकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, क्योंकि इंडेंजर्ड कैटेगरी से ऊपर भी आपको पता है एक कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बहुत सारी स्पीसीज तो हमारे देश में ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। खैर और क्या इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल में? ज्यादातर समय देखो ये मेंढक है ना, ये पेड़ों पर रहता है, और मानसून की जो पहली बारिश होती है तब ये पेड़ों से नीचे उतरता है प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए। वेस्टर्न घाट आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और यहाँ पर काफ़ी सारी स्पीसीज मिलती हैं। अब ये तो याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एम्फीवियन की स्पीसीज कितनी हैं और दूसरे जो बर्ड्स की स्पीसीज कितनी हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एक खास बात, 80% जो एम्फीवियन स्पीसीज हैं वो यहाँ पर मिलती है, वो यहीं पर मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती हैं। मतलब 179 जो एम्फीवियन स्पीसीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है उनमें से 80% स्पीसीज तो सिर्फ यहीं मिलती है, कहीं और पर नहीं मिलती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मालाबार ट्री टोड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गोल्डन राइस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? बांग्लादेश वर्ल्ड में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गोल्डन राइस की प्लांटिंग को अप्रूवल दे दिया है। हम बात करें गोल्डन राइस के बारे में, देखो नॉर्मल राइस के जीन्स को मॉडिफाई करके गोल्डन राइस की वैरायटी को डेवलप किया गया है। मतलब आप कह सकते हो राइस की जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म है गोल्डन राइस। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है। किस लिए डेवलप किया गया है? देखो बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को काउंटर करने के लिए गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है। मतलब गोल्डन राइस को अगर कंज्यूम किया जाता है तो बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो इसकी वजह से खास करके बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और काफ़ी तरह के इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकते हैं जैसे मिजल्स, और इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये राइस की जो वैरायटी डेवलप की गई है ये नॉर्मल राइस की वैरायटी से ज़्यादा महंगी नहीं होगी, और इस वैरायटी का जो रंग है वो गोल्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पिगमेंट है, ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से गोल्डन राइस का जो कलर है वो गोल्डन है। कन्वेंशनल जो राइस होता है उसमें देखो
ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट कम होता है। और बीटा कैरोटीन पिगमेंट किस लिए काम आता है? ये पिगमेंट हमारी बॉडी में विटामिन ए को प्रोड्यूस करने में सहायक सिद्ध होता है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें विटामिन ए के बारे में। देखो, विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए हमारी बॉडी में आंखों के विजन को, स्किन को, बोन्स को और दूसरे टिश्यूज को हेल्दी रखने में कंट्रीब्यूट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसकी वजह से गले में, चेस्ट में, पेट में इन्फेक्शन का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा फोलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, ये डिजीज़ देखो अगर किसी को होता है तो स्किन जो है बॉडी की ड्राई और बम्पी हो जाती है। बम्पी मतलब ऊबड़ खाबड़। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी से। और बच्चों में देखो, ब्लाइंडनेस का लीडिंग काज है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसकी क्षमता भी कम हो जाती है डिजीज से लड़ने की। लास्ट में बात करते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये देखो इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। किसके द्वारा? फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। मदद ली गई थी फिलीपींस के सरकार की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉस बेनोस, जो कि फिलीपींस में है। लेकिन रीजनल ऑफिसेज हैं एशिया और अफ्रीका के 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज में। वाराणसी में भी ऑफिस है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसका नाम है साउथ एशिया रीजनल सेंटर। मकसद क्या है, क्यों इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था? मकसद ये है, जो राइस फार्मर्स हैं, वो किसान जो राइस की खेती करती हैं, उनकी हेल्थ और वेलफेयर को इम्प्रूव करना, इसके साथ साथ कंज्यूमर्स की हेल्थ और वेलफेयर को इम्प्रूव करना, और लास्ट में हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए राइस ग्रोइंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गोल्डन राइस के बारे में। चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल केन टर्टल के बारे में है। पहले आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए, टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों रेप्टाइल्स हैं, यानी रेंगने वाले जीव हैं, सेमी फैमिली के। मेन जो डिफरेंस है वो ये है, टर्टल पानी में रहते हैं और जो टोर्टोइज हैं वो लैंड पर रहते हैं। लेकिन जो केन टर्टल हैं ये एक एक्सेप्शन है। मैं फिर से बोलता हूँ, टर्टल वैसे देखो आम तौर पर पानी में रहते हैं, लैंड पर नहीं रहते हैं, लेकिन केन टर्टल जो है वो एक एक्सेप्शन है। केन टर्टल्स फॉरेस्ट में रहते हैं और देखो फॉरेस्ट में पेड़ों से जो पत्ते गिर जाते हैं, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उन पत्तों के ढेर में ये केन टर्टल्स रहना पसंद करते हैं। इनका जो लाइफस्टाइल है वो लैंड बेस्ड है। वैसे इनके लेग्स का जो आकार है, जो शेप है, वो याद दिलाता है पानी में रहने वाले टर्टल्स की, क्योंकि देखो लेग्स की जो शेप है वो ठीक वैसे ही है जो होती है एक्वेटिक टर्टल्स की। लेकिन फर्क इतना है, जब इनको डराया जाता है तो ये पानी में डुबकी लगाने के बजाय सूखे हुए पत्तों का जो ढेर होता है उनके बीच में डुबकी लगा देते हैं। ब्रूक का मतलब होता है नदी, मतलब नदी या फिर तालाब में इनके द्वारा डुबकी नहीं लगाई जाती, सूखे पत्तों के ढेर में लगा दी जाती हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये केन टर्टल्स? ये देखो वेस्टर्न घाट के एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं और नेचुरली यहीं मिलते हैं, नेचुरली कहीं और नहीं मिलते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट में जो ये तीन स्टेट्स हैं यहाँ पर केन टर्टल्स को देखा जा सकता है। और ये ओमनिवरस हैं, मतलब सर्वभक्षी हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, लीव्स, एंथ्रोपोड्स, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर मतलब मकड़ी, और उसके बाद मोलुस्कस मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर। ऑयस्टर का हिंदी में मतलब है सीप। कुल मिला के पॉइंट ये है, केन टर्टल्स सर्वभक्षी हैं, इनके द्वारा कुछ भी खा लिया जाता है। जो मेल होते हैं उनका कलर थोड़ा डार्कर पिंक या फिर डार्कर रेड होता है, स्कैरलेट का मतलब होता है रेड, एज कंपेरिजन टू फीमेल्स। और मेल का जो साइज वो भी छोटा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल्स। बाकी तो देखो लेंथ कितनी होती है ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है इनका जो कलर होता है वो इस प्रकार का होता है कि पत्तियों में जब ये होते हैं, पेड़ों की पत्तियों में, तो पता नहीं लगता, बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं पत्तियों के साथ।
तो उस समय इनको लोकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। सबसे लास्ट में आयुषियन की रेड लिस्ट के हिसाब से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया केन टर्टल के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये देखो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में है और विंध्याज माउंटेन रेंज में है। हुआ क्या था, 2009 में यहाँ पर टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया था। वैसे यहाँ पर टाइगर ख़त्म हो गए थे काफ़ी साल पहले ही, लेकिन फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने काफ़ी समय लगा दिया ये एडमिट करने में कि हाँ अब पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर नहीं है। तो अल्टीमेटली 2009 में उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में अब टाइगर नहीं है। तो आसपास के दूसरे जो टाइगर रिजर्व थे जैसे बंधावगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, वहाँ से टाइगर लाए गए और पन्ना टाइगर रिजर्व में उन टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया। और देखो पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स के रीइंट्रोडक्शन का ये जो प्रोग्राम था काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब ऑलमोस्ट 10 साल इस प्रोग्राम को पूरे हो चुके हैं और टाइगर्स की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में 55 से भी ऊपर हो चुके हैं, यानी 55 से ऊपर हो चुकी है। दिक्कत आ रही है अब ओवर पॉपुलेशन की। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़ के टाइगर जो हैं वो बाहरी इलाकों में आने लगे हैं। इसकी वजह से जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनके बीच और टाइगर्स के बीच कन्फ्लिक्ट काफ़ी बार देखने को मिलता है। कुछ और बेसिक जानकारी डिस्कस करें, मध्य प्रदेश में देखो हमारे देश में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। केन जो नदी है वो इस पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। केन आपको पता है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा देखो ये जो रीजन है वो पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी फेमस है। देवानंद की फेमस मूवी है, गाना आपने सुना होगा कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, तो वो पन्ना डायमंड माइनिंग इसी रीजन में है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी काफ़ी सुर्खियों में आया था। बुंदेलखंड रीजन में पानी पहुँचाने के लिए ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोला जा रहा था कि टाइगर रिजर्व का जो एक बड़ा एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से। ये भी इसी टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। ये पूरी लिस्ट है हमारे देश में टाइगर रिजर्व्स की। आप एक काम कीजिएगा, इस लिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा। कल आपसे 2-3 टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछूंगा और देखते हैं कितना याद रहता है आपको। चलते हैं फिलहाल आगे कि इस स्मोक टावर के आसपास का 6 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, मान लीजिए ये चाइना का स्मोक टावर है और आसपास 6 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो मात्रा है वो 19% तक कम हो गई है इस स्मोक टावर की वजह से। और अब इसी प्रकार का स्मोक टावर दिल्ली में भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये एक डिवाइस होगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा NCR दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए। और उम्मीद ये है कि जहाँ पर ये स्मोक टावर इस्टेब्लिश किया जाएगा आसपास के रीजन में पर्टिकुलेट मैटर की जो मात्रा है वो 50% तक कम हो जाएगी। इस स्मोक टावर में जो फिल्टर्स लगे होंगे उन फिल्टर्स में कार्बन नैनो फाइबर एक मेजर कंपोनेंट होगा। और अभी देखो ये जो प्रपोज्ड स्मोक टावर है वो फोकस करेगा सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर पर, बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उन पर फोकस नहीं किया जाएगा इस प्रपोज्ड स्मोक टावर के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्मोक टावर के बारे में जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा NCR दिल्ली में ताकि आसपास के रीजन में हवा को क्लीन किया जा सके। आर्टिकल फिर से टर्टल के बारे में है, असम रूफ टर्टल। आज देखो वैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, आज 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। खैर बात करें असम रूफ टर्टल की, अभी कंटेक्स्ट देखो ये है, आर्टिकल पब्लिश हुआ था हिंदू में। गमोसा का इस्तेमाल किया जा सकता है रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स असम रूफ टर्टल को कंजर्व करने के लिए। देखो असम के कल्चर में गमोसा का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम है और काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से असम के लोगों के द्वारा इस गमोसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कहा जा रहा है इसका इस्तेमाल किया जाएगा असम रूफ टर्टल को कंजर्व करने के लिए। असम रूफ टर्टल की हम बात करें, ये स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल हैं, कहाँ पर रहते हैं? प्राइमरी देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में
यहाँ की हिल्स में, मतलब पहाड़ियों के रनिंग वाटर में ये मिलते हैं। रनिंग वाटर देखो, जैसे नदी बह रही है, कोई छोटी स्ट्रीम बह रही है, तो बहते हुए पानी में असम रूफ टर्टल मिलते हैं, लेकिन संख्या पिछले कुछ सालों में कम हुई है, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो देखो, नदियों में डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी बार सिल्ट जमा हो जाता है। मान लीजिए आसपास के पेड़ों को काटा गया है और बाद में पत्तों को, टहनियों को नदी में बहा दिया गया, लेकिन आगे चल के वो सिल्ट का रूप ले लेती है, यानी नदी में गाद जमा हो जाता है, जिसकी वजह से असम रूफ टर्टल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खाने के लिए इनका शिकार किया जाता है, पालतू बनाने के लिए भी शिकार किया जाता है असम रूफ टर्टल का। काफ़ी बार देखो, मछलियां पकड़ते वक्त जो गियर होता है उसमें ये फंस जाते हैं असम रूफ टर्टल। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, आयुषियान की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइट्स, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं असम रूफ टर्टल। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं असम रूफ टर्टल, यानी इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया असम रूफ टर्टल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अटापका बर्ड सेंचुरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि इस बार अटापका बर्ड सेंचुरी, जो कि कुलेरू लेक में है, माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। खास करके बर्ड्स की दो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टोक्स। संख्या भी दी हुई है, कितने ग्रे पेलिकन्स और कितने पेंटेड स्टोक्स ब्रीडिंग के लिए आए हैं। देखो, ये जो अटापका बर्ड सेंचुरी है ना, इसके आसपास एक आर्टिफिशियल पोंड है, यानी कृत्रिम रूप से डेवलप किया गया एक तालाब है, और आसपास वेजिटेशन कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से ये एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है पक्षियों के अंडे देने के लिए। इस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टोक, ये दोनों आयुषियन की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। हम और ज़्यादा डिस्कस करें कोलेरू लेक के बारे में, जहाँ पर ये अटापका बर्ड सेंचुरी है। चिल्का लेक देखो उड़ीसा में है, और कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये देखो, ये यहाँ पे लाइन है और ये पुलिकट लेक है। ज़्यादा एरिया वैसे पुलिकट लेक का आंध्र प्रदेश में ही है। एक एस्टिमेट के अनुसार ऑलमोस्ट 96% के आसपास एरिया आंध्र प्रदेश में है इस लेक का, और बाकी बचा हुआ एरिया तमिलनाडु में है। दो रिवर से पानी मिलता है इस पुलिकट लेक को, एक रानी रिवर और एक बकिंगम कैनल, जो श्रीहरिकोटा जगह है जहाँ से इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, वो इसी पुलिकट लेक के पास है। खैर, हमारा तो इस आर्टिकल में जो फोकस था वो कोलेरू लेक के लेक पे था, ना कि पुलिकट लेक पे। कोलेरू लेक की बात करें, ये दो रिवर्स के डेल्टास के बीच हैं, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर। इन दोनों ये दोनों रिवर्स जो डेल्टास बनाती हैं उनके बीच में है कोलेरू लेक। यहां पर देखो ऊपर की साइड, एक बार इसे हम इरेज कर देते हैं, ये बीच में जो लेक है ये है कोलेरू लेक। वैसे यूपीएससी ऑर्डर में लगवा सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है इस प्रकार से कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए इन तीन लेक्स को, तो ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे नॉर्थ में कौन सी लेक है और बीच में कौन सी लेक है, सबसे लास्ट में कौन सी लेक है। ये फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं कि कुलेरू जो लेक है क्या वो कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टा के बीच में है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेक देखो इन दोनों रिवर्स के बीच एक अच्छे रिजर्वर का काम करती है, और फ्लड प्रिवेंट होती है इस लेक की सहायता से, कोलेरू लेक की सहायता से। ये इम्पोर्टेंट हैबिटेट है ऑलमोस्ट 20 मिलियन रेजिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड्स का, जैसे ग्रे और स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया था 1999 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, और
वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत। अब ये स्क्रीन पर आपके सामने मैप है रामसर साइट्स का, मैं आपसे दो तीन पूछ कर देखता हूँ, पता लग जाएगा कितना आपको याद है। अब मुझे ये बताइए भोज वेटलैंड कहाँ पर है, भोज वेटलैंड कहाँ पर है। ऑप्शंस देने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सोच के देखिए भोज वेटलैंड के बारे में आपने सुना हो, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये देखो बीच में। और अब मुझे ये बताइए चंद्रताल वेटलैंड कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। परसों मैंने आपको ये बोला था कि टाइगर रिजर्व्स पर एक बार आप नज़र डाल लीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बताना है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ओरंग, कामलंग और कोरबेट। कोरबेट तो आप बता ही दोगे, ये उत्तराखंड में है। ओरंग बताइए कहाँ पर है, ओरंग है ये असम में। तो बीच में एक ही बच जाता है, कामलंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सीड्स ट्रीटी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसे इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर यानी ITPGRFA, इसे इंटरनेशनल सीड्स ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गवर्निंग बॉडी का 8वां सेशन ऑर्गेनाइज हुआ इटली के शहर रोम में 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। देखो, इस इंटरनेशनल सीड्स ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 31वें सेशन के दौरान, कब, 2001 में। इस ट्रीटी का देखो मेन मकसद ये है, फूड और एग्रीकल्चर के लिए जो वर्ल्ड के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हो, उनका अच्छे से एक्सचेंज हो, उनका सस्टेनेबल यूज़ हो, सब्जेक्ट टू नेशनल लॉज। ये जो ट्रीटी है फार्मर्स के काफ़ी सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। जैसे देखो, प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे फार्मर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने पर जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को प्राप्त करने का अधिकार फार्मर्स के पास भी होना चाहिए। इसके अलावा जब देखो नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन लिया जाता है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फार्मर्स भी पार्टिसिपेट करें। ट्रीटी देखो एक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इस्टेब्लिश करती है ताकि बेनिफिट शेयरिंग इजली हो सके, और इसके साथ साथ प्लांट जर्म प्लाज्म को भी आपस में एक्सचेंज किया जा सके। बाकी ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 31वें सेशन के दौरान इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था 2001 में। और देखो इस ट्रीटी की जो गवर्निंग बॉडी है वो हाईएस्ट ऑर्गन है ट्रीटी की, 2 साल में एक बार इस ट्रीटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है, और इंडिया इस ट्रीटी का सिग्नेटरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के बारे में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल सुमात्रन राइनो से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मलेशिया में देखो जो आखिरी सुमात्रन राइनो था उसकी डेथ हो गई है, और इसी के साथ मलेशिया में अब सुमात्रन राइनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी लुप्त हो चुके हैं। सुमात्रन राइनो के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, साइंटिफिक नेम है डाइसिरोरहिनस सुमात्रेंसिस। सही बोला क्या मैंने? शायद। देखो राइनो की काफ़ी सारी जो स्पीसीज हैं, राइनो की 5 स्पीसीज हैं जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उनमें से सबसे छोटा होता है सुमात्रन राइनो, और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF जो कि इंटरनेशनल NGO है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की दिशा में काम करता है, इनके अनुसार सुमात्रन राइनो की टोटल संख्या अब पूरे वर्ल्ड में है सिर्फ 80 के आसपास, और अभी ये मिलते हैं सिर्फ सुमात्रा और बोर्नियो में। सुमात्रा और बोर्नियो कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया में। मलेशिया में तो ये लुप्त हो चुके हैं, यही आज न्यूज़ का कंटेक्स्ट है।
देखो राइनो की 5 स्पीसीज हैं, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावान राइनो और सबसे लास्ट में सुमात्रन राइनो। इनमें से राइनो की 3 स्पीसीज तो एशिया में मिलती हैं, कौन कौन सी? जावान राइनो और सुमात्रन राइनो। जैसे देखो नाम से ही पता लग जाता है, जावा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो ये दो तो पक्का एशिया में मिलेंगे ही। और वन हॉर्न राइनो के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में जो वन हॉर्न राइनोज की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो 3 स्पीसीज एशिया में मिलती हैं, बाकी ब्लैक राइनो और वाइट राइनो ये एशिया में नहीं मिलते हैं। देखो अब दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं, एक तो ये जावन राइनो और सुमात्रन राइनो ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अभी भी हमने डिस्कस किया कि सुमात्रन राइनो तो सिर्फ वर्ल्ड में अब रह गए हैं कितने, 80 के आसपास, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और जो वन हॉर्न राइनो हैं जो इंडिया और हमारे पड़ोसी देशों में मिलते हैं ये अभी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। हमने काफ़ी अच्छा काम किया है वन हॉर्न राइनो को कंजर्व करने की दिशा में, पहले इनकी संख्या एकदम से कम हो गई थी लेकिन हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और अब शायद 2000 से लेकर 3000 के बीच में होगी इनकी वन हॉर्न राइनो की संख्या। इसके साथ साथ देखो आप ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, हमारे आस पड़ोस के देशों में भी मिलते हैं वन हॉर्न राइनो, और इंडिया में मिलते हैं सिर्फ वन हॉर्न राइनो, बाकी राइनो की जो 5 स्पीसीज हैं उनमें से वन हॉर्न राइनो के अलावा और कोई राइनो की स्पीसीज इंडिया में नहीं मिलती है। मतलब जावन राइनो या फिर सुमात्रन राइनो ये इंडिया में नहीं मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं सिर्फ वन हॉर्न राइनो। इन छोटे छोटे फैक्ट्स पर ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं, जैसे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये तीसरा फैक्ट देखिए, तीसरी स्टेटमेंट देखिए, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है, समझ गए। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल है एक्शन प्लान फॉर क्लीनर एनर्जी के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए अभी जो हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी। किसके द्वारा ये बनाई गई है? ये बनाई गई है आपका नीति आयोग एंड जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसका जॉइंट एक इनिशिएटिव है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। एंड जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आपकी क्लीन इंडस्ट्री पे, क्लीन इंडस्ट्री पे, ये आप यहां देखिए क्लीन इंडस्ट्री पे ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। फिर देखिए थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो नीति आयोग ने CII के साथ मिलके 2016 में, आज से 4-5 साल पहले, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था क्लीन एयर बेटर इन लाइफ के नाम से। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको कॉम्बैट किया जाए, उसको टैकल किया जाए। एंड इसमें जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एकेडमिया हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, सबका पार्टिसिपेशन हो सके, तो ऐसा इन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। फिर देखिए सबसिक्वेंटली 4 टास्क फोर्स बनाई गई थी कि भाई सूटेबल इंटरवेंशन बताया जाए कि कैसे क्लीन फ्यूल, क्लीन ट्रांसपोर्ट, क्लीन इंडस्ट्री, बायोमास मैनेजमेंट कराया जाए, ठीक है। एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप की जाए। एंड जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स है, जैसे आपके पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज, एकेडमिशिया, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए एंड एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करी गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखिए प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली बात, ये है क्या, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी बॉडी है? तो ये एक नॉन गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फाउंड कब हुई थी? तो देखिए 1895 में, यानी ये एक प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको, 4-5 बॉडीज दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड बिफोर इंडस्ट्रीज, बिफोर इंडिपेंडेंस, सॉरी, जैसे आपको दे दिया फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है, फिर आपको दे दिया CSIR, फिर आपको दे दिया ISRO, फिर आपको दे दिया CII। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ कौन सी बॉडीज है, 1, 2, 1, 2, 3, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसका प्राइमरी गोल क्या है, तो प्राइमरी गोल है कि भाई जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना, ठीक है।
एंड जो भी जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री की बातों को सुने एंड बेसिकली ये इंडस्ट्री का पक्ष रखती हैं एंड ये कोशिश करती हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो प्रो इंडस्ट्रीज हमेशा रहें एंड दोनों की तरफ से एक फ़ायदा हो सके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कभी कभी बायोमास को फायरिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है? तो देखिए बायोमास को फायरिंग क्या होता है कि इसमें जो आपका एडिशनल जो बायोमास है इसको एक पार्शियल सब्स्टिट्यूट फ्यूल की तरह आपका हाई एफिशिएंसी कोल बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? तो देखिए को फायरिंग इज अ लो कॉस्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट बायोमास टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ये देखिए ये काफ़ी एफिशिएंट एंड क्लीन तरीका भी है एंड इससे क्या होता है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है वो भी कम रिलीज होती है। फिर देखिए अगर हम लोग अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या रिकमेंड करता है कि लगभग 5 से 10% और बायोमास की को फायरिंग आपकी जो कोल के और थर्मल पावर यूनिट्स है उसमें की जानी चाहिए, ऐसा बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है रोड मैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका टाइटल था रोड मैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया। अब देखिए ये रिपोर्ट रिलीज किसने करी? तो देखिए ये जो रिपोर्ट है ये एक कोलैबोरेशन में डेवलप हुई, जैसे नीति आयोग था, एक जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी जिसका नाम है GIZ एंड काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, एक दिल्ली बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो इन सब ने देखिए मिलके ये रिपोर्ट को रिलीज किया। तो बस ये ध्यान रखिएगा कभी प्रीलिम में पूछ ले, एज सच देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी सारी बॉडीज़ हैं तो ये तो कभी नहीं UPSC पूछेगा कि किसने रिपोर्ट को रिलीज़ किया। बट हाँ आप मेंस में ज़रूर इसको कोट कहीं पे कर सकते हैं। अब देखिए जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताती है जिसका यूज़ करके जो हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन है उसको इलिमिनेट किया जा सकता है बाय 2025, तो इस तरीके की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है। फिर देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो ये भी आप मेंस का एक डेटा कोट कर सकते हैं कि जो 68th राउंड ऑफ NSSO हुआ था आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2011-12 का, ये रिवील करता है कि दैट ओवर 2/3 ऑफ द हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया स्टिल रिलाइड ऑन फायरवुड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 2/3 से ज़्यादा आज भी हमारे यहाँ जो कच्ची लकड़ियाँ एंड जो काउडंग होता है गोबर उसको यूज़ करके ही अपनी जो प्राइमरी कुकिंग की जो न्यू नीड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। फिर देखिए अगर हम लोग कुछ स्कीम्स के बारे में बात करें कि क्या कैसे हम इस चीज़ को जो इंडोर पॉल्यूशन है इसको टैकल किया जा सकता है, तो बहुत सारी जो इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स हैं किसके द्वारा की जा रही है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिलेबल एनर्जी है ये बहुत सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे आपकी उन्नत चूल्हा अभियान, ये देखिए ये भी पुराना है, 5-6 साल पहले जून 2014 में स्टार्ट हुआ गया था एंड इसका क्या मकसद था कि भाई जो बायोमास कुक स्टोव है उसको प्रमोट किया जाएगा एंड ताकि जो फ्यूल वुड है उसका कंजम्पशन को ऑलमोस्ट कम किया जा सके। फिर सेकेंड जो इनिशिएटिव है वो आप लिख सकते हैं कि नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें भी देखिए कोशिश की जाएगी कि जो फैमिली टाइप हाउस होल्ड बायोगैस प्लांट्स हैं उसको डेवलप किया जा सके ताकि जो अगेन सेम पर्पस की जो एनर्जी नीड्स है उसको कम किया जा सके, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके इस तरीके से। फिर देखिए सोलर कुकर्स की को भी प्रमोट करने की बात की जाती है जिससे कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है द एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि द एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो देखिए ये रिलीज की जाती है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एंड ये इसका 10th एडिशन है, ये याद रखिएगा, अभी ये पहली बार रिलीज नहीं हुई है, ये 10th एडिशन है। फिर उसके बाद देखिए जो इसके मेन मेन पॉइंट्स है उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो देखिए जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये कुछ कुछ चीजों को मेजर करती है, क्या है वो कि सबसे पहला है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज किया गया है, फिर उसके बाद क्या क्या कमिटमेंट्स कंट्रीज ने मेक करे हैं कि किस कितना उसको कम्बैट करेंगे,
फिर उसके बाद क्या पेस है उन कमिटमेंट को पूरा करने की, कि जिससे कि जो 1.5 डिग्री के अंदर टेम्परेचर है उसको रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट मेजर करती है। अब की फाइंडिंग्स क्या क्या आई है इस रिपोर्ट से, तो देखिए जो टॉप 4 एमिटर्स है वो है आपके सामने चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। एंड ऐसा बोला जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा कि ये 4 एमिटर 55% जो आपकी टोटल एमिशंस है उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो इंडिया, रशिया एंड टर्की है, वो ऐसा कहा जा रहा है जो उनके डिटरमाइंड टारगेट्स हैं उनको काफी अच्छे से ओवर परफॉर्म करने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रिपोर्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी ऑन द क्वालिटी ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर इन मेजर सिटीज इन इंडिया। अब थोड़ा सा देखिए इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा करवाए गए थे। एंड क्या क्या पैरामीटर्स थे तो आप देख सकते हो, जैसे केमिकल टेस्ट हुआ था, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का टेस्ट हुआ था, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, इस तरीके से कुछ कुछ टेस्ट का कंडक्ट करवा के ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। फिर उसके बाद क्या रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रही, तो देखिए फाइंडिंग्स तो एज यूजुअल आप लोग खुद भी गैस कर सकते हो कि जो वाइड वेराइटी ऑफ सैंपल्स हैं वो फेल कर गए, ठीक है, हम क्वालिटी ऑफ वाटर वॉज वेरी बैड। फिर दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का भी बहुत बुरा क्वालिटी था वाटर का, एंड इवन जो चेन्नई कोलकाता है ये भी काफ़ी नीचे रैंक लो, बहुत ही लोअर रैंक पे आते हैं। मुंबई की फिर भी जो हालत है वो इनसे काफ़ी अच्छा था एंड इनके एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स थे। देखिए इस रिपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ब्लेम कर रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जानबूझ के ऐसा करा है, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हो गया था इस रिपोर्ट पे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखिए जो ऐसे में जो यूज़ किया जा सकता है वो डेटा आप यहाँ से उठा सकते हैं कि जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, वो लगभग बताता है कि 70% जो इंडिया का वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। एंड इंडिया की रैंक 120th आती है 122 कंट्रीज में, जब अगर हम एक ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स पे बात करें तो इतना ज्यादा पुअर परफॉर्म करती है इंडिया। फिर देखिए वही बात है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बॉडीज है ये एस्टिमेट करती है कि नियरली अ फिफ्थ ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आर ऑलरेडी फेसिंग अ वाटर क्राइसिस। वाई, कि देखिए जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फिर उसके बाद मानसून का भी फेलियर हो रहा है, अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। फिर देखिए हम लोग थोड़े से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में अगर जल्दी से डिस्कस करें, तो जल जीवन मिशन अभी जो प्रोजेक्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एंड इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट अमाउंट है देखिए कि ये एम की जाती है कि हर जो रूरल हाउस होल्ड है उसको पानी पाइप्ड वाटर से दिया जाए, ठीक है, पाइप्ड वाटर सप्लाई कराया जाए बाय 2024, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है, तो ये जल शक्ति शक्ति मिनिस्ट्री है जो अभी हमारी नई फॉर्म हुई है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट है। फिर देखिए एक सिमिलरली एक स्टेट लेवल पे भी इस टाइप का मिशन आया है आपका, मिशन भगीरथा। एंड ये एक प्रोजेक्ट है कि भाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाए हर विलेज को, एंड कहाँ पे, ये तेलंगाना स्टेट में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए जो ई फ्लो नॉर्म्स हैं जो नोटिफाइड किए गए हैं आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको एनफोर्स कराना जाना है आपके दिसंबर 2019 से। तो देखिए थोड़ा सा हम ई फ्लो या एनवायरमेंटल फ्लो के बारे में पहले समझते हैं आखिर होता क्या है। तो देखिए जो ई फ्लो है या एनवायरमेंटल फ्लो, ये एक मिनिमम फ्लो होता है कि जो पर्टिकुलर रिवर में ये तो होना ही चाहिए, जिससे कि जो वहाँ का इकोसिस्टम है, वहाँ का एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इस फ्लो से कम हुआ पानी, अगर इस फ्लो से कम हुआ पानी तो वहाँ की जो डायवर्सिटी है, जो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ का प्लांट्स हो गया, वहाँ के जो एक्वेटिक स्पीशीज हो गए, उनको खतरा है एंड उनको डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए एक मिनिमम फ्लो तो होना ही चाहिए एंड उस मिनिमम फ्लो को हम इन्वायरमेंटल फ्लो कहते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि ये जो ई फ्लो के नॉर्म्स है,
तो देखिए ये सितंबर 2018 में नोटिफाई किए गए थे एंड किसके द्वारा, ये अभी हमने बात करी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा नोटिफाई किए गए थे एंड इट इज द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग एंड रिजुविनेटिंग द रिवर एंड इनका इनको 2019 से एनफोर्स कराना था। फिर तो देखिए वही बात है कि कोशिश की जाएगी कि रिवर मस्ट नॉट ड्राई अप एंड जो इनकी रजीम्स हैं ठीक है इसको थोड़ा बहुत ऑल्टर करना चाहिए जिससे कि जो इसमें जो पानी है वो मेंटेन किया जा सके। फिर देखिए जो ई फ्लो नॉर्म्स हैं ये आपके जो डैम्स एक्सेट्रा है बैरेजेस एक्सेट्रा है उन पे भी उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं कि उनको इतना पानी रिलीज करना चाहिए रिवर में जिससे कि जो रिवर है वो अपने आप को नेचुरली क्लेंस कर सके क्लीन कर सके एंड उसकी जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर हम लोग देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में ही बात कर लेते हैं, हालांकि इस पर काफ़ी बार डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं बट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है एंड ये अप्रूव जून 2014 में किया गया था एंड लगभग 20,000 करोड़ इसका बजट था। अब देखिए इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, पहला है कि भाई पॉल्यूशन को कम करना एंड जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो रिवर गंगा है उसको उसको कंजर्व करना एंड उसको रिजुविनेट करना, ये दो इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। एंड देखिए जो ये आपका इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है ठीक है, एक होलसम अप्रोच है एंड इसमें देखिए सिर्फ क्लीन फ्लो पे नहीं फ्लो किया जाता, क्लीन फ्लो पे सॉरी नहीं फोकस किया जाता, इनफैक्ट एक अविरल कंटिन्यूअस फ्लो पे भी फोकस किया जाता है, एक निर्मल धारा पे फोकस किया जाता है, अनपॉल्यूटेड फ्लो पे भी आपका फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल एक ये होलिस्टिक प्रोजेक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रोड मैप के बारे में। तो देखिए इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम है इसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, उस रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रोड मैप एंड ये जो रिपोर्ट है ये किस टाइम पीरियड के अंदर है, तो 2019 से 2032 के अंदर ये आई है, मतलब एक ये रोड मैप प्रोवाइड करता है। फिर आखिर देखिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पहली बात होती क्या है, तो देखिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो आसानी से स्टोर की जा सकती है। अब देखिए इसका अगर आप ये फोटो देखें तो इस टाइप की इट इज समथिंग लाइक दिस। अब देखिए ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, आपने बिल्कुल सही गेस किया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अब वो आराम से मस्त अगर रोड पे दौड़ेगी तो उनको चार्ज बीच में ख़त्म हो गया तो वो चार्ज कहाँ कराएंगे, तो वो ऐसे सिस्टम पे जाके जल्दी से क्विकली रिचार्ज करवा सकते हैं अपने आप को, तो ये ई मोबिलिटी एक्सेट्रा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिमिलरली देखिए जो आपके टेलीकॉम टावर्स हैं एक्सेट्रा जो इन सब चीज़ों पे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं वो भी इनसे ले सकते हैं एनर्जी को। फिर देखिए मेन मकसद क्या है कि जो डीजल जनरेटर्स हैं एक्सेट्रा जो बहुत ज़्यादा पल्यूट करते हैं उनको इन इलेक्ट्रिकल जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं इनसे रिप्लेस किया जा सके। अगेन क्यों, कि भाई वही अपना जो लो कार्बन फुटप्रिंट है अपना उसको एनहेंस किया जा सके। फिर हम लोग थोड़ा सा देखिए इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है एंड ये किसके है आपका, तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड और पब्लिक प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर देखिए जो ये बेसिकली एक थिंक टैंक की तरह एक्ट करता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एडवाइस दी जाती है गवर्नमेंट को, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स पे स्मार्ट सिटीज पे एक्सेट्रा पे ठीक है, रिगार्डिंग एनर्जी। तो बेसिकली ये अच्छी अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए बढ़िया वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोवाइड करता है। फिर मैंडेट के बारे में अभी हमने डिस्कस करा ही है कि भाई ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन पॉलिसीज प्रोग्राम्स एक्सेट्रा फॉर प्रमोटिंग स्मार्ट ग्रिड्स इन इंडिया एंड भाई की वर्क भी करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कि किस तरीके से इन जो एनर्जी सिस्टम्स है इनका डेवलपमेंट किया जा सके, किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, ट्रेनिंग हो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर्स के बारे में। तो क्या होता है देखिए इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर, अब देखिए अगर आप ये वर्ड रूट से ही जाए तो आप समझ जाएंगे कि इकोलॉजी के बेस पे कुछ ना कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा होगा एंड यही होता है। देखिए इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल इन्वायरमेंट पेमेंट्स
जिसमें क्या होता है कि अगर जो लेट से ए बॉडी ने बी बॉडी को ये पर्टिकुलर पेमेंट देनी है, तो बी बॉडी को कुछ ना कुछ इकोलॉजिकली में पहले से कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर बी बॉडी ने फुलफिल कर दी तो ए बी को पैसा दे देगी। तो इसमें भी यही है कि जो हायर लेवल की अथॉरिटी है वो लोअर लेवल को क्या है थोड़ा थोड़ा पैसा देती है रिगार्डिंग कि जो उनकी वहां पे जो इकोलॉजी है उसको अगर वो सस्टेन कर पाए, उसको अगर डेवलप करें, तो उसके लिए वो पैसा देती है। फिर देखिए यही ये बात करता है कि इट एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट अ शेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स एंड जो आपका रेवेन्यू शेयरिंग है किस तरीके से अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, तो इसके बेस पे आपका डेवल्यूशन किया जाएगा। अब देखिए मकसद क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जब स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो जो और जो रिसीविंग गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बेटर वर्क कर पाएगी कि अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं। फिर देखिए अगर हम लोग इसके हिस्ट्री को ट्रैक करें तो जो 1990s में ब्राज़ील फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने इस EFT को इंट्रोड्यूस किया था एंड उसने वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटीज है उनको कंपेंसेट किया था। फिर देखिए जो 2014 के बात करें, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की, तो जो वर्ल्ड्स फर्स्ट EFTs है फॉर फॉरेस्ट, ये इंडिया में इनैक्ट हुआ गया था। एंड जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने भी एक फॉरेस्ट कवर का फॉर्मूला रख दिया गया कि भाई हम फॉरेस्ट कवर के बेस पे भी डेवल्यूशन करेंगे। तो बेसिकली देखिए मकसद क्या था इसका, कि यही कि भाई स्टेट्स को कंपेंसेट किया जा सके कि किस हिसाब से उन्होंने जो भी उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्सेट्रा, तो इसके हिसाब से कंपेंसेट किया जाना चाहिए। फिर देखिए अगर हम लोग थोड़े और मोड की बात करें कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कैसे और पेमेंट की बात की जा सकती है, तो एक ये पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज भी है जिसको आप जिसका मेन फोकस है कि भाई जो बेनिफिशरी है जो यूज़ कर रहा है वो इन्वायरमेंटल सर्विस को, वो पैसा देगा एंड वो सर्विस को यूज़ कर पाएगा। सिमिलरली देखिए एक प्रोग्राम है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड प्लस प्रोग्राम, ये भी देखिए एम करता है कि जो लोकल पीपल है उनको उनको कंपेंसेट करना चाहिए कि वो जो डिग्रेडेशन है जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट है उसको उसके लिए वो वर्क कर सके। तो ये भी इस तरीके की इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए पेमेंट्स की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल वार्मिंग ऑल्टर्स रेनफॉल पैटर्न के बारे में। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सा आर्टिकल है एंड एक रिसेंटली स्टडी ने शो किया है कि भाई जो इंडियन इंडो पैसिफिक ओशन है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो रेनफॉल का पैटर्न है वो इम्पैक्ट हुआ है। फिर देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें जो ये रैपिड वार्मिंग हुई है, इसने क्या किया है, इसने जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो आपकी मैडन जूलियन ऑसिलेशन है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ऑल्टर हो चुकी है। अब जब जो आपकी मैडन जूलियन ऑसिलेशन है इसकी लाइफ साइकिल ऑल्टर्ड हुई, तो जो इसके जो क्लाउड्स हैं ये लेस टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंडियन ओशन की ओर एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि भाई लेस पानी बरस रहा है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी वेरी कर रहे हैं। तो बस आप ये याद रखिएगा कि आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि भाई जो अगर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आए तो आप ये दिखा सकते हैं कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग द ओवरऑल ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न थ्रू आउट द नॉट ओनली इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब देखिए ये लिखा है कि इट कुड लीड टू रिड्यूस विंटर रेन इन नॉर्थ इंडिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अगर इस जो मैडन मेडन जूलियन ऑसिलेशन है इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, तो देखिए जो MJO वेव होती है ये ग्लोबल बैंड होता है लो प्रेशर एरिया का एंड ये देखिए पीरियोडिकली मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इट मूव्स पीरियोडिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए ये डिटरमाइन करता है आपका इनिशिएशन ऑफ द रेनफॉल एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर एरियाज एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है पूरे मॉनसून की जो दशा है वो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करता है। फिर देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और, तो ये देखिए लगभग आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको दिखाई देगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
यानी जो भी ये जो फिनोमेना है, जैसे इसमें डिस्टरबेंस ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड प्रेशर एक्सेट्रा, तो ये लगभग आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको आपका इफेक्ट दिखाते हुए आपको दिखेगा। तो ये आप बस याद रखिएगा, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।